परंतु जो साथ दिता है तो तुम आप लोगों ने दिता है, जिन्हों वेख के मन दुभास भी मिलता थोड़ा बहुत, पर सरकार मतलब इस कटन की बजाय नपन के उत्ते लगी हुई है। तुम जिस तरह सारे वेख रहे हो। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो जट बाबे टैलीविजन दे नाल। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला का चोर नहीं गीत रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने तो बाद एक विवाद जा भी खड़ा हुंदा दिखाई दे रहा, क्योंकि तुहानू पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जेडे के सिद्धू के नाम तो मशहूरी खटना चाहते हैं, अते ओ सिद्धू के खिलाफ पहला भी देखा कि गीत रिलीज़ होने तो बाद किते ना किते शिकायत कर देंगे ने कि असी चर्चा दे विच आ जाइए। इसे तरह चोर नहीं गीत दे नाल भी होया, किसी बंदे ने एक शिकायत दी है पुलिस को के सिद्धू मूसेवाला का चोरनी गीत यूट्यूब के उपरों हटाया जाना चाहिए है, जिस तो बाद लोगों ने भारी विरोध किया उस इंसान का। अज सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब भी बोले ने इस विषय को लेके, उन्होंने की गलबात हुई है आओ सुन लें। रोज कोई ना कोई टीवी चैनल पर बुद्धिजीव आके बहुत वो आपकी मत के अनुसार चंगा माड़ा बयान दिता है कि जिम्मे कल दसना होगा गाने गाने बारे कह रहे हैं भी यार गाने की गल है यार 4.5 मिलियन लोगों ने देख लिया भी थोड़ा चिट दुख रहा है सुनने वाला सुनता जी चंगा लगता सुन लेंदा जी नहीं चंगा लगता फोन बंद करके परे कर देंगे तू प्रॉब्लम है। पर मैंने चिंता इस गल की है भी ये लोग टुट क्यों नहीं रहे भी असी तो उन्होंने मरवाया से मन तो बात असं तुम खत्म हो जाना चाहिए परंतु वो फिर भी लोगों के दिलों के उत्ते नहीं धड़क रहा है जिन्ना वो दिते नहीं धड़क रहा शायद ये गल भी साढ़े हाकमान जोड़े उन्होंने अखौती टीवी चैनलों के उत्ते बने हुए हैं अपने आप को तो बुद्धिजीव कहते हैं, पर सानू असी तो गाना रिलीज़ करने तो पहले ये गल कहते हैं भी साडे गाने साडे वर्गियों लिए है जो साडे वर्गे ने उही सानू सुनने जेडे वाले बुद्धिजी वाले ज्ञान मन तुम दूरी बना के रखो साडा थोड़े ने चक्कर ना मिले ने कहीं ना मिलने गए साड़ी जी फौज है साडे वर्गी है साडे वर्गी ज्यों ज्यों वधी गया रेट को ज्यों ज्यों वधी गई रेट को उन्हें आपकी हिक के जोर के उत्ते जगह बनाई सी और वह साड़ी हूँ भी कैम रहनी है। भले ही तुम सा बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हो पर असी अपनी जदोजहद जारी रखा कद किसी रूप के कद किसी रूप में असी अपने लोगों के बिचरते रहेंगे। जिन्हें चिर अकाल पुरख ने हिम्मत बख्शी सुहासा की पूंजी दी तद तक असं इन्होंने लोगों के नाल हमेशा चलते रहेंगे। तो वह मरहूम पुत्र का जो भी सुपना अधूरा है उन्होंने अगे इस तरह थोड़े सामने लेके आते रहेंगे प्रोग्राम तो लेके बाकी सॉन्ग्स उन्हें बड़े वाइया वजिया हले तक पाए ने। यह अपना गाँव किसी के नाल डिवाइन के नाल सिंगर कलैबरेशन की सो जो कलैबरेशन होंगी है तो दोवें पार्टियां का तालमेल बिठा के गाँव लीड करना पैदा ये अपनी कल्याण की मर्जी नहीं चलती। इस करके देखा होगा थोड़ा डिले हुआ वो कुछ उन्होंने वर्जन चेंज किया फिर आप दोबारा फिर उन्होंने पसंद ओल्ड म्यूजिक के अपन दोबारे ओल्ड रूप के दोबारा छपया तो थोड़ी देरी हुई है थोड़ा तो सारे का बहुत भरमा हुंगारा मिले क्योंकि हर एक चीज़ को इन्होंने तो पॉलिटिशन जोड़ना है जो आप इकट्ठे होकर बोलेंगे फिर भी ये कह देने मैनू तो पक्का ही कहता भी सिद्धू का बापता लीडरी कर रहा है क्योंकि इन्होंने वोटों को सिवाए कुछ देसी नहीं रहा। जो तुम इन्ने सच्चे हो तो आओ मैदान के फिर करो इलैक्शन का ऐलान कराओ कि चो क्यों भाई बने थोड़ा पता है थोड़े पल की है लोग की चाहते हैं थोड़ा देख चुके ने उस साल 1.5 साल सारे घनौनिया हरकतों के उत्ते आए हुए हैं मर्डर से मर्डर मर्डर से मर्डर पंजाब का वो हाल हो गया जी एक भाईचारक स्टेट मनी जाती सी असी लोगों बाकी दुनिया नालों खुले दिल मने जाते पर साडे हिरदे इन्ने संकोच हो गया भी असी एक मिनट लाने बंदा मारना दूरे दूरे धीरे धीरे कतल हो रहे हैं पंजाब के कहते नहीं कि कानून नाम की चीज़ है तुम थोड़े सामने तुम्हें देखा होगा परसों की खबर है जोड़ा एक पापी पर्यावरण फौजी अपने बच्चे के मर्डर के शामिल सी वह भरा साढ़े बेटे पाँह जन फौतियां नहीं होंगे कदम कदम देखे भी कदम किसी सरकार पाई गई दसवीं होने के थाने गए
ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਨ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਗਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 20 ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਹੈਂ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਘੰਟੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏ ਕੇ 47 ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਗਾਇਕੋ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹੀ ਪਈ? ਸੋਚ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਘਟਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਜੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਾਹਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਬਣਿਆ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਚੋਰਨੀ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।